हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख सकते हैं हिंदी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से 50 नंबर तुरंत पक्का करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। देख सकते हैं मात्र 30 मिनट यानी कि समय ज़्यादा नहीं लेंगे और आपका 50 अंक फिक्स होने वाला है। ये मैराथन खाए बनाई गई है। इस वीडियो में आपको पूरा A to Z यानी कि बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा जो खंड क है हिंदी का पेपर में खंड क आता है 50 नंबर का, वो मतलब कि पूरा तैयारी इसी वीडियो में होने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस टॉपिक पे आपको बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें सिखाएंगे। 10 नंबर का IMP गद और यहाँ पे पद साहित्य से बहुविकल्पी, 5-5 नंबर के आते हैं यानी कि 2 यानी कि 10 नंबर के ये आते हैं 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी, इस वीडियो में फिक्स होने वाला है। देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए हार्ड वर्क के साथ इसको तैयार किए हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये हैंड रिटेन जो नोट्स है ना पूरा आपको PDF थ्रू हम देंगे कि तैयारी आप बेस्ट कर लीजिए। ओके, तो पूरा देखिए वीडियो। अब यहां पे 20 नंबर का IMP गद्यांश लिखे है ना, गद्यांश और यहां पे पद्यांश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पेपर में पूछा जाता है। पेपर और जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक उठा करके चेक कीजिएगा, हर साल आने वाले गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं। इसके बाद 10 नंबर यहां IMP लेखक, जो लेखक होता है और जो कवि होता है, इन दोनों का जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। 5-5 नंबर का दोनों का होता है यानी कि 10 नंबर इसमें भी कन्फर्म होगा, जो 100% पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद 10 नंबर यहां से IMP कथा वस्तु, जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है यानी कि कथा वस्तु से बहादुर पर, या आपको बताता हूं अभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आता है 5 नंबर का, यानी दोनों मिलकर 10 नंबर, तो पूरा खंड क समाप्त होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को बस अंत तक देखिए, आपका यानी कि 50 नहीं तो 45 कोई नहीं रोकेगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको एक मोटिवेशन क्यूटो सुनाता हूं, ध्यान से समझिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते चलिएगा। सुनिए मोटिवेशन की उठो कि जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो, जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, ये दुनिया मर मिटेगी जनाब तुझे अपना बनाने में। तो प्यारे दोस्तों यानी कि जितना समय लग रहा है हार्ड वर्क करके आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत करिए, एकदम जोरों शोरों से एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए, तब जाके आपको पूरे लोग चर्चा करेंगे, प्रशंसा होगी। तो वही चीज कह रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, बस शुरू से अंत तक आप बने रहिए। आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं तो पूरा देखिएगा, ठीक है। लिखे हैं ना Top 10 यानी कि Top 10 गद और पद दोनों से, यानी गद और पद साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि खड़ी बोली की प्रथम गद रचना किससे माना जाता है, कि खड़ी बोली की प्रथम गद रचना किससे माना जाता है, तो छंद वर्णन की महिमा। तो आप देख रहे हैं ना, पहला ही जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो गया, यानी कि इसी को छंद वर्णन की महिमा जो है इसी को खड़ी बोली की प्रथम गद रचना माना जाता है। ओके, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी, मेरी जीवन प्रवाह, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक यानी कि इसका संपादन किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट जी इन्हीं ने किया था। इसको अच्छे से रिपीट कीजिए, बार बार अच्छे से दोहराइए, याद हो जाता है तो कॉपी पेन निकालिए और उसको लिख डालिए ताकि पूरा मतलब अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद तीसरा बहुविकल्पी देख पा रहे हैं कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा कौन सी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती
यहाँ पे सेकंड नंबर मेरी जीवन प्रवाह, इसके बाद मेरी असफलताएं, इसके बाद अपनी खबर। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो बनी है ये मेरी असफलताएं से बनी है, यही है उनकी। ओके, अच्छे से तैयार करते चलिए। चार नंबर ध्यान दीजिएगा, आप सबके बीच अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, जीवनी की या संस्मरण की या निबंध की या यहाँ पे कहानी दिया है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संस्मरण, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये संस्मरण है अतीत के चलचित्र के, ये विधा की रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बेस्ट बनाए हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्णदास जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, नागार्जुन। तो यहाँ पे जीवन और दर्शन के रचनाकार ये हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार, ये आपका पद साहित्य से क्वेश्चन उठ रहा है कि हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी होंगे या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी होंगे या अगेज जी या नागार्जुन। तो अगे जो है ना, सचिदानंदन हीरानंदन वासेन अगे, ये हरी घास पर, हरी घास क्षणभर के रचनाकार है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवन नंबर, सेवन नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी हैं या सूरदास जी या कबीरदास जी या वैदेही वनवास, तो सूरदास जी हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर क्या होगा, सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आठ नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है, इन चारों विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो हरिऔध जी की कृति नहीं है, चुभते चौंपते प्रिय प्रवास चित्रधारा वैदेही वनवास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चित्रधारा, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके बाद नाइन नंबर जो है, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, गुंजन से या वीणा से या पल्लव से या युगांत से, तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताइए। नौका विहार जो है ये गुंजन से कविता बनाई गई है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद दसवां नंबर बहुविकल्पी, दूसरा सप्तक के कवि कौन है, दूसरा सप्तक के कवि किससे माना जाता है, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर जी को या केदारनाथ सिंह को या भवानी प्रसाद जी को, तो आप सभी जानते हैं कि भवानी प्रसाद जी हैं मिश्र, इन्हीं ने दूसरा सप्तक के कवि मतलब है इन्हीं को माना जाता है। तो आपको 10 टॉप 10 यानी 10 नंबर के क्वेश्चन तैयार किए। इसके बाद हम चलते हैं आप सबके बीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश लेकर आ चुके हैं, सबसे पहले अच्छे से तैयार करते चलना है। ये गद्यांश आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर का आता है, कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में, इन सारे गद्यांश को पद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि इस पार्ट से ये गद्यांश आया हुआ है। चलिए सबसे पहले साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है, यद्यपि बाध्य रूप की ये डॉट करके राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। तो जैसे ही आपने इस पूरे गद्यांश को पढ़ा है तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये किस पार्ट से लिया गया है और उस पार्ट के लेखक कौन है, तो आपका दो नंबर फिक्स हो जाएगा। साहित्य कला नृत्य गीतामोद प्रमोद अनेकों वर्षों से, यानी राष्ट्र, देखिए चैप्टर का नाम का अंश गद्यांश में जरूर मिलेगा, देख पा रहे हैं राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्र के स्वरूप जो आपका चैप्टर है कौन, राष्ट्र के स्वरूप, उसी से इस गद्यांश को लिया गया है। उसके राइटर कौन है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए इसको कैसे करना है अभी हम बताते हैं। सबसे पहला उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, देखिए बोला था ना पाठ का नाम, गद्यांश के लेखक का नाम, आप लोग मैंने पाठ का नाम बताया, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से लेखक का नाम। अभी हम बताएंगे इसका सलूशन, एक एक हम क्वेश्चन का सलूशन बताते चलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या,
सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, ये क्वेश्चंस जितने भी है ना सभी का सलूशन यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले गद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका, देखिए संकेत डालेंगे दो गद्यांश मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको किसी एक को करना होगा तो आप यहाँ पे जरूर डाल लीजिएगा क्या संकेत, जैसे कि साहित्य कला बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में के लिए स्वास्थ्य कार्य जो दिया है ये डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको उपर्युक्त गद्यांश के लेखक यानी पाठ और लेखक का नाम बताना है। चलिए तो यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप ऐसे ही लिखिएगा, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सारंग अग्रवाल जी, तब जाके आपको कितने नंबर, दो नंबर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी पेपर में लिख करके आना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आप गद्यांश में आएंगे, ये पूरा जो है ना यहाँ तक इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है कि साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है, यहीं तक ये जो लाइन नीचे अंडरलाइन किया है इसका भाव बताना है। चलिए इसको कैसे करना है यहाँ पे आ जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे ही सुंदर से हेडिंग लगाइएगा आप लोग, सुंदर से लेखक के अनुसार लिखेंगे कि लेखक के अनुसार यानी लेखक कह रहा है कि एक ही राष्ट्र के भीतर यानी हमारा जो भारत है देश एक राष्ट्र है, तो यही लेखक कहने के अनुसार कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकों उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं, यानी कि हमारे ही देश में अनेक प्रकार की कल्चर्स हैं, ठीक है। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करते हैं, यानी दुख खुशी को प्रकट करते हैं, यही चीज कह रहा है। इसके बाद साहित्य क्या लिखा गया इसमें कि साहित्य कला नृत्य, साहित्य जो कला है नृत्य कला है गीत इत्यादि जितनी भी हैं संस्कृत के विभिन्न अंग हैं, ये संस्कृत के हमारे देश का क्या है विभिन्न प्रकार के अंग हैं, इनका प्रस्तुतिकरण यानी कि दिखावा उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण यानी पूरे विश्व को आत्माओं में विद्यमान है, यानी कि दिखता है निहित है विद्यमान है, यही इसका पूरे जो लाइन है तीन चार लाइन इसका पूरा हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। ऐसे ही आपको इस सुंदर से लिखना है तब जाके कंप्लीट आपको दो नंबर इस पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, सहृदय व्यक्ति किसको आनंदित यानी सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को यानी कि पल को स्वीकार करते हुए उसमें आनंदित हो जाता है, ठीक है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन प्रत्येक संस्कृति के क्या लिखा है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करना है करता है, ठीक है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। चार नंबर सहृदय व्यक्ति क्या लिखा गया है कि सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, इसी तरीके से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन फाइव नंबर कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ क्या होगा, दो शब्द इसमें है एक विश्वव्यापी है एक आंतरिक है, इस दोनों आनंद का अर्थ क्या होगा इसको बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पांच नंबर कि जो समस्त संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान है आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है, तो ये पांच क्वेश्चंस करने होंगे गद्यांश के तब जाके आपको दो दो नंबर करके दस नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको गद्यांश बता दिया, अब चलते हैं लेकर के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश पे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सबके लिए हार्डवर्क किए हैं आप लोग, जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाइक तो कर दीजिएगा, काफ़ी लिखने में मेहनत पड़ती है आप सभी जानते हैं कि काफ़ी हार्डवर्क है स्टडी करना पढ़ाई करना काफ़ी मेहनत है, तो आप सबके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए ताकि सफलता मतलब आसानी से मिले। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 10 नंबर का ये भी पेपर में आएगा। चलिए मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से
ओन भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरा सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये जो है आप चार लाइन का ऐसे ही पद्यांश आएगा, ठीक है। इस पद्यांश में पांच क्वेश्चंस रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन में देखने को मिला है कि शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो आपको पहले नंबर इसमें शीर्षक को पहचानना है कि किस पाठ से यानी किस कविता से इस पद्यांश को दिया है, इसके लेखक कौन है, तो ही जाके 2 नंबर मिलेगा। तो इसके रेखांकित अंश भी क्या करना है 2 लाइन का। इसमें राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भेजवाती है, चलिए सल्यूशन बताते हैं कैसे करना है। प्यारे दोस्त, अगर आप लोग इन सभी का हाथ से लिखा हुआ नोट्स चाहते हैं PDF, तो टेलीग्राम जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो मोर लिखा है ना, मोर पे जाएंगे, वहीं से जाएंगे ना तो टेलीग्राम का लिंक, ब्लू लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देता हूँ, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए सबसे मेरे प्यारे नौजलद सेकंड जिसे नेत्र वाले, जाके इसको पहले चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं ना आप संकेत पहले कैसे लिखेंगे सभी बच्चे? संकेत मेरे प्यारे यहाँ से डॉट डॉट करके श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे, लास्ट वाला, ठीक। चलिए इसका पहले क्वेश्चन में उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। चलिए सबसे पहले शीर्षक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, तो पवन दूतिका से इस पद्यांश को लिया गया है, पवन दूतिका वाला पार्ट से इसको लिया गया है। इस पार्ट के लेखक कौन है? तो अयोध्य सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, अयोध्य सिंह उपाध्याय हरिओत जी। अब इसके आगे क्वेश्चन चलेंगे 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 लाइन यहाँ पे रेखा किया है ना अंडरलाइन, कि मेरे प्यारे नौजलद, मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इस 2 लाइन का जो नीचे अंडरलाइन किया, इसका भाव क्या कह रहा है, इसको हिंदी में लिखिए, यही ना इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए हिंदी में तो हम बताते ही हैं, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, ऐसे व्यस्त तरीके से लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर काटेगा ही नहीं। चलिए लिखेंगे कि राधिका, राधा जो है पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा, विरह मतलब जो उसकी रो रो करके दशा खराब थी, विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि न नए मेघो जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। मेरे प्रिय कहाँ चले गए? मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो ये 2 लाइन जो थी ना, इसी ही 2 लाइन की ये भाव था, इतना लिखेंगे तो 2 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर यहाँ पे 3 नंबर, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, राधा किसके द्वारा? तो पवन दूतिका के द्वारा। देखिए राधा पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इस तरीके से लिखेंगे 3 नंबर का, कि राधा पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण जी को संदेश भिजवाती है। आगे चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए, यानी कि उल्लेख करना है इसमें। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे पा रहे हैं आप यहाँ पे, कि कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं, नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं, तथा उनके नेत्र कमल के समान है, उनका जो आंख है, नयन है, वो कमल के समान है। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। 5 नंबर कैसे लिखेंगे, कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, कि राधा का मन में क्या उठ रहा है, कैसी है। तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर देखिए, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही है, यही उनकी मनो का दशा है, रो रो करके पागल हो गई। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका टोटल कितने हो गए, यानी कि ये 10 नंबर के पद्यांश हो गए। अब हम आपको लेकर आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक का यहाँ पे जीवन पर्ची, आ गया ना बेस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी प्यारे दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा लाइक कीजिए, आप सबके लिए हार्डवर्क किए हैं, आप लोग कठिन परिश्रम करके तैयार कीजिए। देख सकते हैं ये प्रश्नोत्तर संख्या आपके 5 का 1 नंबर में लेखक का जीवन परिचय आता है, ठीक है।
जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये जीवन परिचय है। आपको जीवन परिचय में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट ध्यान होता है, एक तो जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 ही नंबर मिल जाएगा, इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो टोटली कितना हुआ 2 + 3 = 5 नंबर। चलिए जीवन परिचय ज़्यादा नहीं लिखना होता है, उनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उसी को लिखते हैं। चलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ऐसे हेडिंग लगाएंगे, जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि प्रोफेसर जी यानी प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जन्म कब हुआ था, तो सन 1919 में, ठीक है। आगे चलिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में कई वर्षों तक थे, यानी कि देखिए यहाँ से एक बार देखते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, ठीक है, और उच्च शिक्षा हिंदी में, मतलब अधिक पढ़ाई किस सब्जेक्ट में किए थे तो हिंदी में, और कई वर्षों तक मतलब कि पढ़ते रहे, कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्ययन रहे, मतलब अध्यक्ष भी रहे, ये अध्यक्ष रहे। इनका निधन सन 2005 में हो गया था, ठीक है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का इतना ही, टू द पॉइंट, ज़्यादा नहीं लिखिए, जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, अब उनकी मृत्यु किस सन में हुई, ये चीज़ लिख दीजिए शॉर्टकट में या पेपर में, ऐसे ही लिखना है, ओके। इसके बाद साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट है। चलिए साहित्यिक परिचय में क्या क्या आता है, जैसे कि हिंदी के विकास और प्रगति में यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है, यानी कि ज़्यादा उनका जो कार्य है सराहना करने लायक है, और हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में यहाँ पे देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण भी दिया है, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए जैसे तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में और मलयालम साहित्य की रचना भी की है, जैसे कि तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके उन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने तेलुगु भाषा का काफ़ी मतलब प्रचलित था उनका भाषा, लेकिन वो तेलुगु जानते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा का काफ़ी क्या किया, महत्वपूर्ण रचना मतलब उन्होंने दिया है। इतना लिख लेंगे साहित्यिक। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें रचना लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इसके बाद रचना, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रचना में। उनकी रचना जो है निम्नलिखित प्रकार से हैं, पहला नंबर साहित्यिक और समाज के लिए, दूसरा मेरे विचार से हैं, तीसरा शोध और बोध हैं, चौथा है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा पूरा जीवन परिचय, ये आपके लेखक का जीवन परिचय था, किसका, लेखक का। अब हम आपको दिलाने वाले हैं कवि का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि का होने वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा कवि, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाए हैं ताकि आप बेस्ट ऑफ लव अपना एग्जाम में दे सकें। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का 5, ये 5 के 5 में ही आएगा और ये आपके कवि का जीवन परिचय रहेगा। जयशंकर प्रसाद जी का आपका जीवन परिचय कैसे याद करना है, मतलब कि बढ़िया से पढ़िएगा तो अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको नोट्स भी हम टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन हो जाइएगा। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के इनका शिक्षा, यानी कि इनके जो बड़े भाई था और उनके पिता थे उनका देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा जो है क्रम शीघ्र ही टूट गया, पढ़ाई लिखाई मतलब बहुत जल्दी समाप्त हो गया। गृह मतलब होता है घर के व्यापार को संभालते हुए भी उन्होंने स्वाध्याय मतलब कि स्वयं पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान रखा, यानी कि उन्होंने अपना पढ़ाई पर भी टारगेट रखा था, पढ़ाई करते रहे। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु अर्थ संकट पत्नी
वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवन झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभास संपन्न युगस्टता यानी साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्ण गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को इनका क्या हो गया, रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्ययन का निष्ठाक्षेप यानी कि इस स्वर्ग में लीन हो गए, विलीन हो गए। तो आप देख पा रहे हैं इनका जीवन परिचय ऐसे ही टू द पॉइंट थोड़ा अच्छे से लिखना है। अब साहित्यिक सेवाएं लिख दीजिएगा इनका, देखिए साहित्यिक सेवाएं जो है श्री जयशंकर प्रसाद जी लिखे ना, श्री जयशंकर प्रसाद जी छवाद के प्रवर्तक उनायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ इनका युग प्रवर्तक नाटककार में था। ठीक है, आगे थोड़ा इधर देखिए क्या लिखेंगे कि कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंद की है। प्रेम और सौंदर्य इनके प्रमुख काव्य की प्रमुख विषय भी रहा है। तो इतना लिख लेंगे, इनकी रचना भी लिखेंगे कि प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक है, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंद की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने नाटक उपन्यास कहानी निबंध आदि इन्हीं ने लिखा है, इन्हीं ने रचना किया है। तो देख पा रहे हैं ना, इनका निबंध है कि काव्य कला तथा अन्य निबंध इन्हीं का है। साहित्य में स्थान इनका क्या है तो थोड़ा सा लिख देंगे या नहीं लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली ठीक है कवि थे। उनकी काव्य में एक ऐसा नरसिंह आकर्षक एवं चमत्कार था। तो इतना आपको कवि का जीवन पर से लिख देंगे तो आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ तक ला दिया। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट जो आपका बोल रहे थे लास्ट में 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा। कथा वस्तु पर सारांश लिखने के लिए या कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आता है तो मैं आपको यहाँ पे कहानी का उद्देश्य के अनुसार चलूँगा, बहादुर पर। ठीक है, बहादुर का चरित्र चित्रण का वर्णन करूँगा, 5 नंबर इस पर मिलेगा। तब एक और लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक हम आपको मोटिवेशन क्यूटू सुनाते हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए मोटिवेशन क्यूटू कैसा लगा। कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। ठीक है, कमेंट में बताइए कैसा लगा। चलिए देखिए, बहादुर के प्रमुख पात्र बहादुर की चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो पेपर में ऐसे ही लिखना है, सुंदर से लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर का प्रमुख पात्र बहादुर है, जिसकी चारगिक विशेषताएं इस प्रकार, यानी कि 4 विशेषताएं इस प्रकार। पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर छल कपट रहित, मतलब उनके पास कोई भी छल कपट नहीं था। बहादुर के पास क्या नहीं था कि बहादुर छल कपट से रहित भोला भाला बालक है, यानी कि उनके पास कोई भी छल कपट नहीं है, मतलब कि जो भी बातें कहते हैं दिल से साफ साफ बोलते हैं। जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष है, बहादुर एक नेपाली लड़का है। तो ये चीज़ लिख देंगे, छल कपट रहित। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे कि परिश्रमी हंसमुख एवं मृदुभाषी, मतलब कि परिश्रमी का मतलब कि उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम करते, हंसमुख मतलब कि मतलब हंस के कोई भी कार्य करते खुशी दिल से, एवं मृदुभाषी यानी कोमलता से, यानी कोमल से मतलब कि मीठ आवाज़ में बोलते थे। ठीक है, जैसे कि बता देता हूँ कि बहादुर हर समय हंसते रहते थे, जिससे भी बोलते थे तो बड़ी नम्रता एवं मृदुता के साथ। वह अत्यधिक परिश्रमी है, पूरे घर के सदस्यों का काम अथक करता है। तो ये चीज़ें लिख देंगे, दूसरा टॉपिक। तीसरा क्या है उनका विशेषता चरित्र चित्रण में, कि सहनशीलता यानी सहनशील ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाले थे। ठीक है, कि बहादुर सत्य हृदय के हैं, वह ईमानदार होने के साथ साथ सच्चे मन वाला भी बालक हैं। आगे थोड़ा सा इनमें लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि किशोर उससे बार बार मतलब बदसलूकी करता है,
परंतु वह थोड़ी ही देर में भुला देता है। कौन? बहादुर। लेकिन जब उसे बाप की गाली देता है तो बहादुर का स्वाभिमान जग जाता है। ठीक है, यही चीजें लिख देंगे इतना। इसके बाद चार नंबर पे चलिए, मृत मातृप्रीत भक्त, वह अपने माता पिता के सच्चे भक्त थे। कि बालक बहादुर अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना रखता है, अपने कमाए पैसे माँ को ही देना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर एक व्यवहार कुशल स्नेही एवं ईमानदार बालक है। उसका चरित्र पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो आपको जाकर के कितने नंबर तैयार किया जाएगा, तो टोटल इस पे 5 नंबर। तो आपको मैंने बता दिया ना इस तरीके से तैयारी करना है। एक लास्ट वाला जो आता है आपका स्व पठित खंड काव्य के आधार पर, देखिए बता देता हूँ। एक आपका 7वां नंबर जो प्रश्नोत्तर संख्या बताता हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या आपका 7 नंबर पे आएगा। ये प्रश्नोत्तर संख्या स्वपठित खंड काव्य के आधार पर रहेगा, जो कि ये जिला वाइज आता है। आपके जिले का कुछ ग्रुप अलग में आता है, मतलब हर एक जिले में कुछ ग्रुप वाइज क्वेश्चंस आता है। यानी कि जिसे मतलब अलग अलग कृष्ण भगवान के हर एक अलग अलग मतलब जिले में ग्रुप वाइज आता है। तो आप किस जिले से कमेंट करके बताइए। और एक बड़ी बात कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं खंड ख। क्या ला रहे हैं? खंड ख, जो कि वो भी 50 ही नंबर का है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यानी कि आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं 1000 लाइक अगर पहुँचाते हैं तो फटाक से नेक्स्ट डे हम वीडियो आपको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले ही दिन आपको खंड ख भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, जिस भी सब्जेक्ट की दिक्कत होगी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करेंगे। सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम मोर जो लिखा है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, जाकर मोर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम में जुड़िए, PDF सेंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।